हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बस आप सबको मेरा प्रणाम और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ले लीजिए। फिल्म के बारे में इतना कहूँगा, ये टाइटल पगलू छोटा सा टाइटल है, बहुत प्यारा टाइटल है पगलू, और मंतोष इस फिल्म के हीरो हैं। मंतोष के साथ मैंने बहुत पहले काम किया था जानम फिल्म में, उसमें भी वो हीरो थे। तब से इनका व्यवहार मुझे बहुत पसंद है, और बहुत अच्छे कमाल के बहुत इंसान हैं, संस्कारिक हैं, और उतना ही बोलते जितनी ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे ज़्यादा बोलते हैं, पर उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत है। और इन्होंने कहा था कि भैया मेरी फिल्म मैं जब करूँगा तो आपको विलेन लूँगा। इन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं एक फिल्म करूँगा तो आपको विलेन करना है, आपको मेरी हेल्प करनी है। ये मेरे घर पे आए थे और इस फिल्म को लेके, तो इनको सबसे पहले थैंक यू मेरी वाइफ को बोलना होगा, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार ये आए हैं फिल्म करने, तो प्लीज़ इनकी फिल्म ज़रूर करिएगा। बात पैसे वैसे की नहीं है, बात व्यवहार और रिलेशनशिप की है। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे अपने सेट पर, बहुत प्यार मिला। अरुणा से पहले बार मेरे को अच्छा, इनकी पहली फिल्म है, मैं थिंक अरुणा जी की पहली फिल्म है। और मंतोष का जो डेडिकेशन था इस फिल्म को देख के, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नए लड़कों में ये डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलता है। जो नए लड़के आते हैं उनको ये डेडिकेशन होना चाहिए। ये लड़का जितनी मेहनत अपने शरीर पर करता है, उतनी मेहनत ये एक्टिंग पर भी कर रहा था, डांस पर भी कर रहा था, और सब कुछ संभाल रखा था। फिल्म की कहानी आज के कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ती है। कहीं ना कहीं ऐसा कई बार हो चुका है कि लड़कियों का किस तरह से मिसयूज हो रहा है, उसके ऊपर एक कहानी है। और एक फाइटर है, जो ये फाइटर है जो इस चीज़ से फाइट करते हैं और मेरे जैसे विलेन का नाश करते हैं। आई एम रावण, प्लीज राम सीता।
तो ये कहानी है इस फिल्म की। संतोष जी जरा अपने बारे में बताएं, फिर हम पब्लिक की बात करेंगे। सर मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, और आप भी गोरखपुर से हैं क्या सर? यस। तो तुम्हारा दो अच्छा है, तो तुम्हारा हमेशा अच्छा, तो ये यकीन किया जाएगा हमेशा अच्छा न्यूज छपेगा इनका। कोशिश तो सबके बारे में अच्छा ही। चलिए, एक अच्छा सपोर्ट मिल गया मुझे। चलिए संतोष जी बताएं जरा आपने। सर मैं पहले मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, और मेरा पहले ये मतलब बिजनेस भी था, आर्ट भी था मेरे लिए। तो मैं पहले मार्शल आर्ट किया करीब 11 साल, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, और मेरा मन फिल्म लाइन में लगता था। तो मैंने पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मेरी पहली मूवी थी खेसारी जी के साथ जानम, और दूसरी फिल्म अभी जस्ट दो साल पहले आई थी मंदिर वहीं बनाएंगे, उसमें चिंटू जी के साथ थी। और 2 साल बाद ये, मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये फिल्म पब्लिक आपके सामने, मतलब कम और अच्छी फिल्में करते हैं, 2 साल का गैप रखते हैं। नहीं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, अब चाहे जो भी वजह रही हो। अच्छा, अरुणा जी आप अपने बारे में जरा बताएं। जी, मेरा नाम अरुणा गिरी है, मैं सिवान से बिलोंग करती हूँ। सिवान का है क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं काफी हूँ। और पिछले 3 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। ये भोजपुरी मेरी पहली फिल्म है, इससे पहले मैंने सीरियल्स में काम किया है, हिंदी फिल्में भी की हैं 2-3, और भोजपुरी ये पहली फिल्म है। और सर के साथ भी मैं पहली बार ही काम कर रही हूँ, संतोष जी के साथ भी मैं पहली बार ही काम कर रही हूँ। सर पगलू एक ऐसा है, उसको फिल्म का पागलपन रहता है। अच्छा, मतलब उसको दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई फिल्मोनिया होता है, फिल्मोनिया मतलब बोल सकते हैं, फिल्म देखने का आदत होता है, बीमारी होता है। तो उसकी वही बीमारी होती है, उसको किसी से प्यार भी नहीं होता है। अचानक एक लड़की जो आती है जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाती है, तो फिर वहीं से उसकी लाइफ टर्न करती है, वहाँ से वो चेंज होता है और पगलू सीरियस हो जाता है। अच्छा, पगलू कई बार बड़े प्यार से भी लोग बोलते हैं, देव सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि कभी आपको किसी ने बड़े प्यार से पगलू कह के बुलाया है? लड़कियाँ छोड़कर किसी ने नहीं बुलाया। कौन सी लड़की ने बुलाया है? अब किसका नाम बताऊँ, झूठ मूठ से मीडिया लगी है बातें। पगलू बहुत प्यार से होता है, लोग कहते हैं, और कभी कभार तो मेरी जिद को भी लोग कहते थे जब मैंने ये कर लिया कि मुझे एक्टर बनना है, और एक्टर का जो संघर्ष उन लोगों ने देखा तो वो कहते ही थे पगल हुए है, लगी गया। और जब एक्टर बन गए तो भी लाइन बोलते थे, समझ में आ गई कि पगल हुए रहे ससुराई से बन गए, इतना जीत रहा देख लिया। तो ये शब्द ऐसे कॉमन शब्द है, सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में, सब लोगों को कभी माँ बाप भी बोलते हैं पगला ही बढ़कर, तो ये सब चीज़ें हैं और ये कॉमन वर्ड है उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा जो जिद्दी है, अपने काम को लेके जुनूनी है, उनके लिए तो शब्द बहुत मायने रखता है। असल जिंदगी में कभी किसी ने कहा पगलू? बिल्कुल हजारों बार मैंने सुना है। किसने कहा? ये इन्होंने बात सही बोला, ज़्यादातर लड़कियाँ कहती हैं, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी कहते हैं। और इस फिल्म में अरुणा बार बार कह रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आप मार्शल आर्ट के प्रोफेशनल मार्शल आर्ट आप ले करते हो, और आपने पिछले 7 सालों से मैंने गेम छोड़ दिया था, फिल्म लाइन में ही फोकस था। तो अभी नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है सूरत में, अक्षय कुमार का टूर्नामेंट है वो, कूडो मार्शल आर्ट। तो मेरे गुरु ने बोला कि एक बार फिर से खोलो, तो मैं स्टेट चैम्पियनशिप खेला, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और 22 तारीख को मेरा पहला गेम है वहाँ पर नेशनल टूर्नामेंट के लिए। अगर शायद मैं अच्छा खेल जाऊँ तो मेरा इंटरनेशनल थाईलैंड के लिए सिलेक्शन आ जाए। बहुत बहुत बधाई संतोष को। और इस फिल्म में जितने भी एक्शन है संतोष ने बिना केबल के किए हैं, ये भी इनके लिए एक है, कोई केबल यूज नहीं किया फिल्म में, एक्शन में इन्होंने अपने जितना इनको आता है इन्होंने किया है, और बहुत अच्छा किया। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैरों के बारे में पूछिए, भैरों का मदद किया गया, पीछे मैं पोस्टर देख पा रहा हूँ, बड़ा अलग सा पोस्टर है सर। भैरों के बारे में हमसे बेटर हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। आइए लगा दो शेयर, और एक चाय और एक पोस्टर को डिजाइन के बारे में भी फ्रेम करके बताइए। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ओम कुमार जी, और मैं संतोष जी के साथ मिला, काफ़ी इनकी एक्शन और इनकी क्रिएटिविटी को देख के मैं सोचा कि इनकी फिल्म को बनाई जाए, और इनका डिमांड था कि फिल्म का नाम जो है भैरव, इसकी स्टोरी बनाई जाए। तो इसकी स्टोरी जो है ऐसी है कि काफ़ी एक्शन भरा है, और इनके एक्शन को देखते हुए मैं भी सोचा कि एक्शन वाला ही फिल्म इनके साथ बनाई जाए, इसीलिए इस स्टोरी को मतलब एक 6 लाइनों में मैंने लिखा इसको,
की भांग लिए सब जूटे मठ पर गांव जवार सब आए और जल की धारा बही शिवलिंग पर सब संकट दूर हो जाए। तस्करी जब हुई शिवलिंग की खोजन पर मिलना पाए वध संहार कर लाए शिव को वो भैरव कहलाए। इसी टाइम में मैंने अपनी सारी स्टोरी को समेटा और यही फिल्म है कि मतलब बाकी गांव वाले जो जितना मान रहे शिवलिंग को वही चीज़ चोरी हो जाती तो अब कुछ उसे लाएगा कौन। तो गांव का एक काफ़ी एक्शन वाला आदमी हीरो है जो वही जाता और किस किस तरह से काफ़ी सारे संघर्ष करके वध करके और वो शिवलिंग को लेकर आता है। इसी पर आधारित हमारी फिल्म है। मूर्तियों की तस्करी है, तस्करी जो होती है वो तस्करी होकर चोरी होती है। अच्छा, ये शूटिंग लेकर सिनेमाघरों में कब आएंगे और पिक्चर कब शुरू होगी? सर हम कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर आएँ और फरवरी तक हमारा टारगेट है कि उसके अंदर सिनेमाघरों में आ जाइए। ये भी कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछिए। अच्छा, सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनिए जी। आप बताइए कुछ भैरव के बारे में, आप क्या सोचते हैं? मैम, ये फिल्म करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरा। फिल्म तो अच्छी बनानी है लेकिन एक्शन उस लेवल का लाना है कि मतलब चाहे बॉलीवुड का हो, हिंदी का हो, साउथ का हो, कहीं का भी हो, वो देख के एक बार बोले नहीं यार कुछ तो अलग किया है, बस यही उद्देश्य है। जी अभी तो मैं इस फिल्म से जुड़ा नहीं हूँ लेकिन मेरी शुभकामनाएं लोगों के साथ हैं, मंतोष के साथ तो बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से रिएक्शन करते हैं ये एक्सप्लोर हो, लोगों को पता चले, लोग देखें। और ओम जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी उनको बोल ही दिया था कि फिल्म जैसी भी बनाए पर अच्छी फिल्म बनाए। हमारे कभी कभार क्या होता है बजट का एक रोना होता है, हमारे बजट नहीं है। लेकिन एक अभी मैं आपको बताऊं, आसाम के एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई 95,000 में, लोकल कुंकू फिल्म का नाम है, और उसके उनके पास पैसा नहीं था, उस सबसे पैसा मांगने गया, उसको कोई पैसा नहीं दिया, उसकी मम्मी ने उनको 35,000 रुपये दिए, फिर उसे किसी दोस्तों ने मिला के उसे टोटली 95,000 में उसने एक फिल्म बनाई आसाम में रिलीज़ की, और उस फिल्म ने वहाँ पर अच्छा बिजनेस कर लिया, मतलब 4-5 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया, खुशी की बात। तो मैं ये कहता हूँ कि फिल्म जो है वो पैसन का काम है। आप जो भी फिल्म बनाइए पैशन से बनाइए, अच्छी कहानी बनाइए, क्योंकि अच्छी कहानी आप जो भी आज देखिए डिजिटल जितनी भी है, मुझे लगता है जितनी अच्छी फिल्में हैं वो लोग देखते ही देखते हैं। मैंने देखा, मैं सहरा बांधता हूँ, टीवी पे 3 बार आती है दिन में, टाटा स्काई पे होता है 10 बजे, 4 बजे, 7 बजे। तो फिल्में जो अच्छी हैं उसको लोग पसंद करते ही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी फिल्में बनाएं और ताकि आप भी देखें, आपके परिवार भी देखें, सारे लोग देखें और आपकी तारीफ। फिल्म बनाने के लिए पैसों से ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है शायद। जी जी। वैसे एक चीज़ और है आजकल देव सिंह जी, कि आपकी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग टर्न सिंगर हो रहे हैं, एक्टर्स टर्न सिंगर हो रहे हैं, आप भी कभी सिंगर होंगे बनने की सोच रहे हैं? अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन कभी अगर आप आपको लगता है कि मैं गा सकता हूँ तो मैं गा लूंगा। तो हमें क्या, पूरी मीडिया को लगता है आप गा सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं अभी। पर ये भैया इस पगलू फिल्म में इन्होंने डांस तो कर लिया है। डांस ये तो मैं भूल गया, ये भाई साहब मुझे बोले कि आपको पूरे गाना गाना है, डांस करना है, मन गा रहा है, ऐसा मत करो भाई, बोले नहीं करना। फिर मैं धीरे धीरे लड़कों के साथ रहूंगा, काफी सपोर्ट किया और जितना हो सका मैंने कोशिश की कि कर दो। मतलब जब ये है कि जब सर मुझसे उखल में पड़ गया तो करना पड़ेगा। सर ये डांस करना सर उखल में डालने जैसा क्यों लगा आपको? अब हम लोग विलेन है, कभी मिलता नहीं, हम लोग तो वही एक्सप्रेशन वाले जाते ना तो हमारी बॉडी जो है वैसी हो गई एकदम ऐसे वाली। तो उसमें आपको स्टेप्स करने होते, खास वो भी लड़की के साथ, हीरोइन के साथ। कहीं हीरोइन कभी कभी हीरोइन का भी होता नहीं कि गलती से कहीं पैर टच मत हो जाए, कुछ मत हो जाए, तो एक डर वो भी बना रहता है कि अरे जानबूझ के तो नहीं मार रहा। एक आइटम सॉन्ग किसी फिल्म में कर रहा था ना, प्रेम लीला में संभावना जी थी, उसके साथ स्टेप दे दिया। अब भाई मेरे को गलती से उनके पैर पे पर ऐसे मेरा पैर चला गया, उनका एक्सप्रेशन ऐसा था, मैं सॉरी 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 गलती से। तो एक डर होता है, खुले नहीं है ना, लेकिन ऐसा रेगुलर अगर डांस करेंगे तो खुल जाए। जब आपने सॉरी बोला तो संभावना ही नहीं करता, समझ लीजिए, समझदार आप दोबारा भी रख सकते हैं। गाना गाना गाने आपने डांस तो कर लिया, गाना भी सुना दीजिए। देखिए मेरी लाइफ का एक ही गाना है और वो गाना आज तक है। इस गाने ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, आज मैं जहाँ हूँ जिधर हूँ इस गाने की वजह से बहुत ज़्यादा। कभी भी मैं बहुत डिप्रेशन में जाता हूँ गाना सुनता हूँ, एक ही गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बस भाई ये गाना मेरा फेवरेट है, इसी को सुनता हूँ, इसी को गा लेता हूँ। स्टार्ट कीजिए आप, अच्छा गा ले रहे हैं। बस करो भैया, नहीं तो हीरो मैं बनूंगा। ठीक है चलिए। फिल्म ही आपकी पहली फिल्म है, आपने पहले भी फिल्में बनाई? नहीं, इससे पहले भी मैंने फिल्म बनाया है और दुल्हन हम ले जाएंगे मेरी पहली पिक्चर थी जी। बोलू की
में इसमें एसोसिएशन है हमारी, और ये हमारे मीडिया कंपनी से ही लॉन्च हो रही है माई एंटरटेनमेंट जी। आपकी अगर बात करूँ मैं आपसे, अगर पूछना चाहूँ तो इस फिल्म के साथ जुड़ाव की कोई बात हो जाए। हेलो, जो इसके पगलू के हीरो जो है ना वो डेडिकेटेड है, और एक तो पिक्चर में भी दिखेगी, फिल्म बनाने से लेकर के और फिल्म देखने की उसमें आपको कला दिखाई देगी कि फिल्म देखने वाले लोग कैसे होते हैं। उनकी खाली इच्छा है कि हम भाई पिक्चर देखेंगे, वो कैसे भी जुगाड़ करके कैसा पैसा निकलना है, क्या करना है, और एक मामले से मुझे पिक्चर दिखनी है तो दिखनी है, और वो डेडिकेटेड मंत्री है। दूसरी एक फिल्म अनाउंस हुई है सर, भैरव, तो ये टीम ऑलमोस्ट यही टीम है, ये मंत्री है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से पगलू से आगे बढ़ रहे हैं वैसे भैरव में और आगे बढ़े, और आगे उनकी मेरे हमारे तक बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे काम करें। थैंक यू सो मच सर। रितिका जी आप भी शुभकामनाएं देंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिल्म अच्छी चले और वो लॉन्च हो रहे इस फिल्म से, और काफ़ी फिट हीरो है हमारी भोजपुरी के जहाँ तक ऐसा लग रहा है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे। थैंक यू सो मच। फिटनेस बड़ी मायने रखती है। बिल्कुल मायने रखती है, ये मेरे गांव से है और मार्शल आर्ट का प्लेयर है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है क्योंकि मैं भी मार्शल आर्ट का प्लेयर रह चुका हूँ एक ज़माने में, हरियाणा स्टेट चैम्पियन था हूँ देवरिया से, और मेरी ये मुझसे जब मिला तो इसका जो ट्रेलर था जो पोस्टर था मुझे भोजपुरी में पहली बार ऐसा लगा, मैं इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, कि कुछ अलग है। पगलू का जो पोस्टर था वो बहुत अलग लगा मुझे, इसने मुझे ट्रेलर भेजा तो मुझे वो ट्रेलर में भी बहुत मज़ा आया, और हम लोग एक दूसरे को जानने लगे तो इसका फ़ोन आया कि भाई भैरव करके भी एक फिल्म मैं अनाउंस कर रहा हूँ, तो भैया आप आइए आशीर्वाद देने के लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मिथिलेश को, और जो तुम लाना चाहते हो मुझे लगता है कुछ रिवॉल्यूशन आएगा, जरूर आएगा, और भगवान करे आएगा। थैंक यू सो मच। संतोष जी बड़ा आशीर्वाद और बड़ी सारी शुभकामनाएं आज आपको मिली, मुझे लगता है कि इससे जरूर आपको करियर में और फिल्म में भी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। सर इतने लोगों का आशीर्वाद अगर साथ है और मेरा डेडिकेशन अगर मतलब मैंने 100% अपना दिया तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन जरूर आएगा, और आप लोगों का भी सपोर्ट है सर। कब तक आ जाएगी पगलू? सर पगलू नवंबर लास्ट तक आ जाएगी। मैं चंदन वंसाली, इससे पहले मेरी एक फिल्म आई थी मंदिर में ही बनाएंगे, ये मेरी दूसरी फिल्म है, ये भैरव, और ये एक पगलू, पगलू के भी प्रोड्यूसर हैं। पगलू में आप ही प्रोड्यूसर हैं। सर बताइए जरा भैरव के साथ जुड़ने के लिए कोई खास वजह, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? सबसे ज़्यादा प्रेरित किया आज के युवा टैलेंटेड एक्टर मंतोष कुमार, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और नए हैं तो नए जनरेशन को मौका देना चाहिए, मतलब आगे भी आप नए लोगों को मौका देंगे। हाँ राइट राइट। अनिश जी कैसे हो? बस बढ़िया भैया, आप भी शुभकामनाएं दीजिए, जरा दो दो बड़ी फिल्में अनाउंस हुई हैं आज। पगलू का यहाँ ट्रेलर लॉन्चिंग था तो मंतोष जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और भैरव का आज मुहूर्त हुआ है तो भैया के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऐसे ही आगे काम करते रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैडम के बारे में जरा बताइए मुझे तो। वो इस फिल्म में भी हैं, भैरव में भी हैं। अच्छा दोनों फिल्म में हैं। बताइए मैडम जरा इस फिल्म में पगलू की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? जी ये कंफ्यूज है, इनसे पूछ रहे हैं हम आपके लिए टिकट है। आप शुभकामनाएं। चलिए मेरा नाम पलक तिवारी है और मैंने मंतोष जी के साथ फर्स्ट मूवी की थी, मंतोष जी की फर्स्ट मूवी मेरे साथ थी जानम, और बहुत ही अच्छा रोल किया था इन्होंने, लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, और मैं तो कर चुकी थी पहले काम, बट इन्होंने जब मुझे कहा कि मेरी फर्स्ट मूवी है तो मैं हैरान हो गई थी, फर्स्ट मूवी में ही इतना अच्छा इन्होंने काम किया था, और बहुत खुश हूँ पगलू को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पगलू है, उसके बाद भैरव मूवी है, और ऐसी बहुत सारी इनकी फिल्में आए और भोजपुरी में अच्छा खासा नाम कमाए, बस ये शुभकामनाएं हैं मंतोष जी के लिए कि बहुत सारी फिल्में करें और बहुत बहुत अच्छा नाम कमाएं, और बहुत सारी फिल्में आए इनकी, क्योंकि इनका इनकी फाइट की तो मैं फैन हूँ, ये फाइट बहुत अच्छा करते हैं।
भैरव के डायरेक्टर साहब जो है, आप बताएं जरा फिल्म कहाँ भैरव कहाँ शूट करना चाहते हैं सबसे? हाँ, इसके सर कुछ हम लोग पार्ट बिहार में शूट करना चाहते हैं और मुंबई में भी शूट करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है मतलब कुछ तस्करी होने के बाद जब वो शिवलिंग को जाता है, शिवलिंग चुराई जाती है, तो वो मुंबई जैसे शहर में उसकी तस्करी होती है बड़े लेवल पे, तो इसीलिए कुछ मुंबई में शूट करना है और कुछ बिहार में भी शूट करना है। गोरखपुर में शूट करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब गोरखपुर में नहीं होगा, बिहार में ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, गोरखपुर में भी होगा। हम लोगों ने तभी डिसाइड किया है, लेकिन जैसा गाने वगैरह लेके अच्छे लोकेशन लेके हम गोरखपुर में भी शूट करेंगे, वाराणसी में भी शूट करेंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.